दोस्तों आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1989 में रिलीज हुई एक सुपर हीरो एक्शन मूवी का, जिसका नाम है तूफान। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शाद्री, अमृता सिंह, फारूक शेख, परान, रजा मुराद, कमाल कपूर, गोगा कपूर, सुषमा सेठ, महेश आनंद, जैक गार्ड और रमेश देव। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है सलीम खान और के शुक्ला ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है केतन देसाई ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनमोहन देसाई। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेजेडी सीन से, जहां पुलिस ऑफिसर हनुमान प्रसाद सिंह यानी परान की पत्नी दो जुड़वा बच्चों को जन्म दे के इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, और वहीं साथ ही साथ हनुमान प्रसाद के दोस्त मैजिशियन रमेश कुमार की पत्नी देवयानी यानी सुषमा सेठ मिस कैरिज का शिकार हो जाती है। और फिर हनुमान प्रसाद अपने दोस्त का साथ देता है और अपने जुड़वा बेटों में से एक बेटे को रमेश और उसकी बीवी को दे देता है, और फिर रमेश और देवयानी अपने इस बेटे का नाम श्याम रखते हैं। और जहां एक तरफ श्याम अपने पिता की सोबत पे चलता है और बचपन से ही जादूगरी में लग जाता है, और फिर एक दिन मैजिशियन रमेश कुमार जादू दिखाते समय एक हादसे में मारा जाता है, और दूसरी तरफ हनुमान प्रसाद भी एसीबी शर्मा यानी कमाल कपूर की चाल का शिकार बनता है और डाकू शैतान सिंह यानी गोगा कपूर के हाथों अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और इसके बाद कहानी अपना असर रुख तब लेती है जब ये बेसहारा बच्चा भगवान हनुमान के मंदिर जाके अपने पिता के साथ हुए जुल्म की फरियाद करता है, तो भगवान बदले में उसे सुपर पावर्स दे देते हैं। और फिर यहाँ से जन्म होता है गरीबों के मसीहा तूफान का, और तूफान और श्याम इन दोनों के जवानी के किरदारों को अमिताभ बच्चन निभाते नजर आएंगे। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में और भी बहुत से अहम किरदार और पहलू जुड़ेंगे, जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने डायरेक्ट किया है। और वैसे देखा जाए तो केतन देसाई ने इतनी ज़्यादा फिल्में तो डायरेक्ट नहीं की हैं, मगर फिर भी उनका काम बेहद इम्प्रेसिव रहा, जहां उन्होंने इस स्टोरी प्लॉट को तो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया ही, बल्कि कहानी की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी खूबसूरती से की है। इसके अलावा फिल्म की स्क्रीन पर राइटिंग भी काफ़ी बढ़िया रही, जहाँ कहानी शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी लूज नहीं पड़ती, और फिल्म का फर्स्ट हाफ इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि आप खुद ही फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं, और सेकंड हाफ की राइटिंग भी डिसेंट रही। और देखा जाए तो ये फिल्म शुरू से लेकर एंड तक ऑडियंस को बाखूबी होल्ड करके रखती है और भरपूर एंटरटेन करती है। और बात करें डायलॉग्स राइटिंग की, तो फिल्म की डायलॉग्स राइटिंग इतनी खास नहीं है, और इस फिल्म में हमें एवरेज डायलॉग्स ही सुनने को मिलते हैं, जिन्हें और अच्छे से लिखना चाहिए था। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें, तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी बढ़िया हैं, ख़ास तौर पे अमिताभ बच्चन के एज अ तूफान एक्शन सीक्वेंसेस तो वाकई काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जिन्हें देखने में काफ़ी न्यू और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और बात करें फिल्म की लोकेशंस के बारे में, तो इस फिल्म में हमें बेहद खूबसूरत पहाड़ी लोकेशंस देखने को मिलती हैं, जो फिल्म की प्रेजेंटेशन में काफ़ी अहम साबित होती हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही बेहद शानदार हैं, ख़ास तौर पे सॉन्ग्स आया आया तूफान और डोंट वरी बी हैप्पी तो ऑडियंस को बेहद पसंद आए थे। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो फिल्म के लीड एक्टर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काफ़ी यूनिक परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए, चाहे बात हो सुपर हीरो एक्शन की, कॉमेडी की या फिर डायलॉग डिलीवरी की, अमिताभ बच्चन अपने दोनों ही किरदारों में आउटस्टैंडिंग नजर आए और अपने कैरियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिस पे उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अलावा परान की बात करें, तो वो इतने काबिल एक्टर हैं कि वो हर किस्म के रोल में काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं, और इस मूवी में भी उन्होंने अपने छोटे से रोल में काफ़ी इम्प्रेसिव काम किया। और बात करें कमाल कपूर की, तो उनका किरदार भी उनकी डायलॉग डिलीवरी की बदौलत काफ़ी दमदार रहा और उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा फिल्म की दोनों हीरोइंस यानी अमृता सिंह और मीनाक्षी शाद्री भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आईं,
और दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है। और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। ख़ास तौर पे फारूक शेख और गोगा कपूर इस फिल्म में काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए। ओवरऑल देखा जाए तो तूफान एक वेल डायरेक्टेड मूवी है जो एक प्रॉपर एडवेंचरस एक्सपीरियंस देती है, और साथ ही साथ अच्छी कास्टिंग के साथ ये मूवी और भी शानदार बन जाती है। तो दोस्तों तूफान मूवी मैं उन सबको ही रेकमेंड करूँगा जो एक अच्छी सुपर हीरो एक्शन मूवी देखना चाहते हैं। आप सब भी इस शानदार मूवी को ज़रूर देखिएगा।